हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे छोटे बच्चों के लिए ये डिज़ाइन। इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स से। आप इसको मल्टी कलर में भी अप्लाई कर सकते हैं। बैक सेट इसका इस तरह से दिखेगा। आइए सीखते हैं। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद हमने सेकंड कलर यूज़ करना है। सेकंड कलर से एस्टा फंदा तो हमने सीधा बना लेना है। एस्टा फंदा सीधा, तीन फंदा सीधा बना लेंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमने चार चार फंदों के हिसाब से फंदे रखने होंगे। एस्टा हमने दो फंदे रखने हैं, एक दो तीन। एक एक्स्ट्रा फंदा, एक दो तीन फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे। फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, एक्स्ट्रा फंदा भी सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो, उल्टा बना लेंगे। इन तीनों फंदों को, चार फंदों को उल्टा बना लेंगे। इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है। इधर हम चार फंदा उल्टा बना लेंगे। सेकेंड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। चार फंदा सीधा, इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है। तीन फंदा सीधा, बिना बुने उतार लेंगे इस फंदे को। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, एक्स्ट्रा फंदा, इसको भी सीधा बना लेंगे। थर्ड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, चार फंदा उल्टा, तीन चार, इसको हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है। तीन फंदा उल्टा, इस तरह से इसको उतार लेंगे सीधे हाथ की सिलाई में। चार फंदा उल्टा। फोर्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो, चार फंदा सीधा, एक तीन, ये चौथा फंदा। इधर भी हम इसको इस तरह से उतार लेंगे। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, इस फंदे को इस तरह उतार लेना है। चार फंदा सीधा बना लेंगे। फिफ्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स रो, अब सिक्स रो में हमने एक्स्ट्रा फंदा तो उल्टा बना लेना है। तीन फंदा सीधा बना लेंगे बैक साइड से, धागा अपनी तरफ। इस फंदे को उल्टा बना लेना है, धागा आगे की तरफ। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ रखेंगे। इस फंदे को उल्टा बना लेना है, धागा आगे की तरफ। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ रखेंगे। एक्स्ट्रा फंदा उल्टा बना लेंगे। सिक्स रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन्हीं सिक्स रो को हमने बार बार रिपीट करना है। अब इधर हमने बेसिक कलर से बनाएंगे। पहले हमने चार फंदे बनाए थे, एक्स्ट्रा फंदा और तीन फंदे। अब हमने दो फंदे बनाने हैं। दो फंदे हमने पहले सीधे बना लेने इस तरह से।
अब ये सीधा फंदा है, ये दिख रहा है, एक उल्टा, ये तीन फंदे अब हमारे सीधे बनने हैं और ये वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। इस तरह से हमने ये वाला फंदा बिना बुने उतार लेना है। अब इनको हमने तीन फंदा सीधा बना लेना, एक दो तीन, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, तीन फंदा सीधा। अब ये सेंटर दिख रहा है, सेंटर के इधर उधर इस तरह से हमने तीन फंदे लेने हैं। ये तीन फंदा हमने सीधा बना लिया है, इस फंदे के बिना बुने उतार लेंगे, इधर हम दो फंदा सीधा बना देंगे। राउंड साइड, इन फंदों को उल्टा बना लेना है, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन। अब इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है, तीन फंदा सी उल्टा, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, दो फंदा उल्टा। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है दूसरे डिज़ाइन की। थर्ड रो, दो फंदा सीधा, इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, इसको बिना बुने उतार लेना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, बिना बुने उतार लिया, दो फंदा सीधा। थर्ड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, जो फंदा जैसा दिखता है उसको हमने वैसे ही बना लेना है, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, तीन फंदा उल्टा, इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है, दो फंदा उल्टा। फोर्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेना है, तीन फंदा सीधा, इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है, इधर हम दो फंदा सीधा बना लेंगे। फिफ्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स रो ऐसा फंदा हमने उल्टा बना लेना है धागा आगे की तरह, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ रखना है, तीन फंदा बैक साइड से हमने सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेना है, धागा आगे की तरफ, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, इसको हमने सीधा बना लेना है, ऐसा फंदा उल्टा बना लेंगे। सिक्स रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन्हीं सिक्स रो को हमने बार बार रिपीट करना है। इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड से, आप छोटे बच्चों के स्वेटर में इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा बन के ये इस तरह से दिखेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।